लास्ट टाइम पे जब हमने 3D प्रिंटिंग की मदद से हमेशा लहराने वाले तिरंगा को बनाया, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को लेकर हमें इतने सारे कमेंट शेयर किए, तो हमने भी ठान लिया कि अब हम 3D प्रिंटिंग की मदद से चंद्रयान का प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन 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 हम यहाँ पे कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पे चंद्रयान 3 के 2 ऐसे वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ पे रियली क्रिएट करेंगे और उसे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है, जब हमारा यान 23 अगस्त को शाम के 6:04 को हमारे चांद पे जब लैंड किया, तब दोस्तों हमारा रोवर हमारे यान से नीचे उतरा और जब वो हमारे चांद के सतह पर लैंड हुआ, तब दोस्तों हमने ये बात सुना है कि हमारा जो चंद्रयान रोवर के व्हील्स है, उन व्हील्स के ऊपर हमारे सत्यमेव जयते का लोगो और हमारे इसरो का लोगो ऐड हुआ है और हमारा रोवर जैसे जैसे हमारे चांद के सतह पर चलेगा उसी तरीके से हमारे ये दो लोगो हमारे चांद के ऊपर प्रिंट होते ही जाएंगे। तो ये हुआ हमारे चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट का पहला पार्ट। और दोस्तों दूसरे पार्ट में हम हमारे रोवर के सस्पेंशन को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो सस्पेंशन आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा उस सस्पेंशन को हमारे रोवर में यूज किया गया है। अब चलिए दोस्तों डिजाइन शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे दो वर्किंग प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे रोवर के आउटर बॉडी को डिजाइन कर रहा हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे रेक्टेंगल के बॉक्स को क्रिएट करेंगे और उसको दो लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके वर्किंग लिंक्स को डिजाइन करना है, तो मैं यहाँ पे इसके लिंक को डिजाइन कर रहा हूँ। और दोस्तों हमें यहाँ पे इसी लिंक के अंदर एक सस्पेंशन को ऐड करना है। आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा दोस्तों एक्चुअली सस्पेंशन कहाँ है, और अगर नजर भी आया तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि वो सस्पेंशन किस तरीके से काम करेगा। तो हमने यहाँ तक के डिजाइन को 4 घंटे में पूरा कर लिया है। अब बचे हुए डिजाइन को यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। तो अब बारी है व्हील्स की। तो यहाँ पे हम व्हील्स को पूरी तरीके से राउंड शेप में डिजाइन नहीं करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे हमारे रोवर के व्हील्स को ऑब्जर्व किया होगा, हमारा व्हील जो है रोवर का वो पूरी तरीके से प्लेन और राउंड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सेम उसी तरीके से हमारे रोवर के व्हील को यहाँ पे डिजाइन किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे इसरो लोगों को ऐड करने वाले हैं हमारे इस व्हील के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा गेम बजने ही वाला था दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे लोगों को एज इट इज ऐड कर रहे थे, तो हमें अचानक से याद आया कि हमारा जो भी प्रिंट है और जो हमारा स्टैम्प होता है उसके ऊपर वो मिरर किया जाता है और उसे प्रिंट किया जाता है, और जब हम उसको स्टैम्प करते हैं तो वहाँ पे हमारे ओरिजिनल प्रिंटआउट्स दिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा बहुत ही टफेस्ट चैलेंज है, जो यहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते का लोगो है। और दोस्तों आप इस लोगो में डिटेल्स देख रहे होंगे, ये हमारा सत्यमेव जयते का लोगो इतने डिटेल में डिजाइन किया गया है, तो हमें इसका स्केल बहुत ही कम करके हमारे इस व्हील के ऊपर ऐड करना है, और ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग का काम है। तो आप ही के इस मजेदार कमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए हम यहाँ पे लगातार यहाँ पे हमारे इस डिजाइन को इस व्हील के ऊपर ऐड करने की कोशिश करते ही जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे हर बार फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रात के 2 बज चुके हैं, तो हम यहाँ पे लगातार ट्राई करते जा रहे हैं हमारे इस सत्यमेव जयते लोगों को क्रिएट करने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारा ये डिज़ाइन सक्सेसफुली बन नहीं पाया है। लेकिन आपका ये प्यार हमें गिव अप करने से बचाता है, तो और एक लास्ट ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आपके लिए एक और एक लास्ट ट्राई करना चाहते हैं एक नए आइडिया के साथ। यस दोस्तों, यस यस, हमने कर दिखाया, यहाँ पे हमारा डिजाइन एक्सट्रूड हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे इसे कट करना है, तो चलिए दोस्तों फाइनल फिनिशिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे इस लोगो को हमारे राउंड शेप के साथ तो पॉकेट करना है, तो मैं यहाँ पे हमारे सत्यमेव जयते के लोगो को हमारे सबसे पहले इस अंदर वाले व्हील के अंदर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते का लोगो हमारे व्हील के ऊपर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब हम इन सारे पार्ट्स को कलर करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस 3D प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन हो चुका है रेडी। तो इस डिजाइन के लिए हमने कहाँ कहाँ से पानी छोड़ा है सिर्फ हमें ही पता है। चलिए अब इसका 3D प्रिंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे रोवर के सेंटर वाले बॉक्स को प्रिंट करना स्टार्ट किया है, और दोस्तों हमने इस बॉक्स के ऊपर हमारे भारत का नाम ऐड किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है।
अब बारी है हमारे सेकेंड प्रिंट्स की। तो हमने यहाँ पे हमारे रोवर के बॉक्स और इन व्हील्स को प्रिंट करने के लिए 0.6 mm नोजल का यूज किया है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बच सके। तो हम यहाँ पे सेम नोजल को यूज करके हमारे सत्यमेव जयते और इसरो वाले लोगों के व्हील को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने उन सारे डिटेल्स को गवा चुके थे क्योंकि दोस्तों 0.6 mm नोजल का लेयर बहुत बड़ा होता है। तो हमने इस नोजल को रिप्लेस किया 0.2 mm नोजल के साथ और दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो 3D प्रिंट है वो कितने एक्यूरेटली हमारे डिजाइन को प्रिंट कर रहा है, जैसे कोई रिजिन प्रिंटर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हो। तो हमने यहाँ पे इसके लिंक्स के लिए व्हाइट कलर के मटेरियल को सिलेक्ट किया है और इन्हें भी हमने 0.6 mm नोजल के साथ प्रिंट किया है और फाइनली यहाँ पे हम ब्लैक कलर मटेरियल के साथ इन लॉक्स को प्रिंट करके हमारा 3D प्रिंटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स प्रिंट होके रेडी हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब इन सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारा रोवर बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हमारे रोवर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पे हमारा रोवर का सस्पेंशन सिस्टम किस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क करता है आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम हमारे रोवर के व्हील्स को इन दोनों पत्थर के ऊपर चढ़ाने वाले हैं और दोस्तों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे हमारे पत्थर को लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो पत्थर है स्टेशनरी है। अब यहाँ से हमारा जो व्हील है वो क्रॉस होने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों व्हील पत्थर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे सेफली लैंड हो चुका है। अब सेम उसी तरीके से पीछे वाला भी क्रॉस कर जाएगा। अब ये व्हील, ये दोनों व्हील को बैलेंस करेगा जब दोस्तों हमारा ये व्हील इस पत्थर के ऊपर चढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा लास्ट व्हील यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ चुका है। तो ये इसका रॉड का लेंथ नीचे एक्सटेंड करके इन दोनों व्हील के ऊपर इस रोवर का बैलेंस टिक पाता है। अब यहाँ पे ये हो चुका है लैंड। अब हम और एक बार रिवर्स जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे रोवर का सस्पेंशन सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो इस तरीके से चांद के ऊपर जो पत्थर और गड्ढे हैं उनके ऊपर हमारा रोवर बहुत ही आसान तरीके से उन्हें पार करके हमारे सिस्टम को डाटा भेज सकता है। अब दोस्तों फर्स्ट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे चांद का सरफेस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो चलिए चांद का सरफेस यहाँ पे बनाने के लिए हम यहाँ पे सीमेंट को यूज कर रहे हैं और उसी के साथ हम यहाँ पे थोड़े पत्थर रखने वाले हैं और चांद के ऊपर कुछ इस तरीके के गड्ढे होते हैं। तो हम यहाँ पे उन गड्ढों को क्रिएट कर रहे हैं इस टमाटर की मदद से। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा चांद का सरफेस यहाँ पे तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे हमारे अब जो व्हील के निशान को छोड़ने वाले हैं वो कभी भी यहाँ पे नहीं मिटने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पे हमारा चांद का सरफेस बनके रेडी हो चुका है और हमारी यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। अब हमारा ये रोवर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चलने वाला है और हमारे यहाँ पे इस लोगो के निशान हमारे इस चांद के सतह पे प्रिंट होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे इस रोवर को हमारे चांद के सतह पे लैंड करवा चुका हूँ और मुझे बहुत ही डर लग रहा है एक्चुअल में क्या होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे हमारा लास्ट वाला व्हील यहाँ पे हमारे चांद के सतह पे चल रहा है। वाओ दोस्तों यहाँ पे मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं इस व्यू में से, लेकिन हमारे चांद के ऊपर हमारे ये सत्यमेव जयते और इसरो के लोगो प्रिंट हो रहे हैं। मुझे लगता है आपको इस एंगल में अच्छी तरीके से नहीं दिखा तो मैं आपको और एक एंगल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो निशान है हमारे लास्ट व्हील के ऊपर वो अब हमारे इस चांद के ऊपर प्रिंट होने वाले है। वाओ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको कैमरा क्लोजअप से दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हमारे
सत्यमेव जयते का लोगो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसरो का लोगो है ये यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हुआ है। और दोस्तों हमारे मेहनत का फल हमें मिल चुका है, तो क्योंकि हमने इस डिजाइन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पे मैं और आपको डिटेल में दिखाने के लिए अब मैं एक सिंगल व्हील को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा सत्यमेव जयते का लोगो हमारे इस चांद के सतह पे प्रिंट हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसरो का लोगो एज इट इज जैसे हमने डिजाइन बनाया है सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आप हमारे प्रिंट के डिटेल्स देख सकते हो। और इस वीडियो को दोस्तों आप आपके बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से देख पाए इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि हमारे चांद के ऊपर एक्चुअली क्या हो रहा है, किस तरीके से ये निशान वहां पे प्रिंट हो चुके हैं, यहां तक हमने कोई भी नहीं देखा है। यहां तक हमने देखा है लेकिन वो एनिमेशन में देखा है। तो यहाँ पे मेरा छाती धक 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 कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने हमारे इंडिया का ये जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे हमारे इंडिया के ऊपर बहुत ही गर्व है, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत कुछ इस तरीके के टेक्निक्स यूज करता है जो हमारे पूरे दुनिया को हिला देता है। तो आप भी अगर भारत के ऊपर गर्व महसूस करते हो तो भारत के ऊपर एक बेहतरीन कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आपके बच्चों के साथ शेयर करके देखिए, हमारे भारत ने इस हमारे इसरो और सत्यमेव जयते का लोगो हमारे मून के साउथ पोल पे निशान छोड़ चुका है। और दोस्तों अब यहाँ पे इतिहास बन गया है जो हमारे भारत ने ये नया कारनामा किया है। तो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस आपके सामने ला सके। अगर दोस्तों आपको हमने बनाया हुआ 3D डिजाइन्स फ्री में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो हम जल्द से जल्द एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हमने अब तक जो भी 3D डिजाइन्स बनाया है उसे वहाँ पे फ्री में अपलोड करेंगे।